हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 11th सिलेबस का जो पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, उसमें एक टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ एक रूल्स की लिस्ट होती है बुक में, तो हमको लगता है कि हमको इन्हें याद करना पड़ेगा। ऐसा जिनको याद नहीं करना है, आप बस उसको ऑब्जर्व करो, डाइजेस्ट करो, वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और फिर प्रैक्टिस करो, उससे आप आसानी से इनको कभी भी यूज कर पाओगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? तो मेजरमेंट में वो डिजिट्स जो हमको रिलायबली नोन होते हैं, और पहली वो डिजिट जो अनसर्टेन होती है, डाउटफुल होती है, उनका टोटल नंबर, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि उन रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। डोंट लर्न दोज रूल्स बाय हार्ट, सिंपली ऑब्जर्व, डाइजेस्ट एंड यूज देम। क्या होते हैं रूल्स? तो पहली तो बात दिमाग में ये लाओ कि हम यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम मेजरमेंट में। डेसिमल सिस्टम मतलब द डिजिट्स विच आर यूज्ड आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दीज 10 डिजिट्स आर यूज्ड। तो पहला रूल ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने का कि ये जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं फ्रॉम 1 to 9, ये 9 डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। एक काम खत्म, ये जब भी मिलेंगी हमको मेजरमेंट में, इनको हम काउंट कर लेंगे एज सिग्निफिकेंट। अब बात रह गई सिर्फ जीरोस की, इन जीरोस का क्या होगा? तो जीरोस को मैंने ऐसा कोडिंग किया है कि वो जीरोस जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो जीरोस, ये 8 और 1 के बीच में आ रहे हैं, तो इनका नाम मैंने रख दिया ट्रैप्ड जीरोस। और ट्रैप्ड जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ये दूसरा रूल हो गया। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ट्रैप्ड जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब बात होगी ट्रेलिंग जीरोस की और लीडिंग जीरोस की। तो अब किसको लेना है हमको? अब हम लेते हैं कौन से जीरोस? लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस जो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, एम आई राइट? लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, दीज आर नेवर सिग्निफिकेंट, डोंट काउंट देम एज सिग्निफिकेंट। लीडिंग मतलब जो पहले आ रहे हों, जैसे ये जीरोस हैं, ये जो पहले आ रहे जीरोस रहते हैं, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अब रह गई बात किन की? ट्रेलिंग जीरोस की। ट्रेलिंग मतलब जो पीछे आ रहे हैं, पीछे आने वाले जीरोस, इनके बारे में जरूर ये याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट यदि है, ट्रेलिंग जीरोस हम काउंट कर रहे हैं, और यदि डेसिमल पॉइंट है उस मेजरमेंट में, इफ डेसिमल पॉइंट इज देयर दे आर सिग्निफिकेंट, इफ डेसिमल पॉइंट इज नॉट देयर तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये जीरोस की कहानी खत्म। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ट्रैप जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोज इफ डेसिमल पॉइंट इज देयर आर सिग्निफिकेंट, इफ डेसिमल पॉइंट इज नॉट देयर दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसके अलावा सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। जैसे हम किलोग्राम को ग्राम में या मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता है। इसके अलावा 10 की पावर्स में जो जीरो होंगे वो भी कभी नहीं होते, उनको काउंट करना ही नहीं है। इसके अलावा एग्जैक्ट जो फिगर्स होते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट, जैसे पाई या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 40 है मान लो स्टूडेंट, तो 40 जो है नंबर, या जो पाई मैंने कहा 22/7, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दीज आर द रूल्स। तो इसको याद नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यहां से शुरू करें हम। इसमें ये जो जीरो लगा हुआ है, ये तो कन्वेंशनली पुट करते हैं डेसिमल पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, ये कहीं छूट ना जाए, दिखे नहीं, ऐसा ना हो, इसलिए ये जीरो लगाया जाता है। और इसको तो कभी भी काउंट नहीं करना है किसी भी मेजरमेंट में, ये जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब बात इसकी करें, ये 8 और 1 रूल 1 से सिग्निफिकेंट, ये जीरोस ट्रैप जीरोस हैं सिग्निफिकेंट, ये वाला जीरो ये तो कभी भी नहीं होता, लीडिंग जीरो तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, और इसलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। इसमें आए तो ये तीनों तो छोड़ दो, ये कभी नहीं, ये कभी नहीं, ये 2
टू थ्री तो सिग्निफिकेंट है और ये जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट के होने पर ये सिग्निफिकेंट है, यानी इसमें कितने नंबर होंगे, थ्री। अब इसमें आए तो ये सब कैसे जीरोज हैं, ये सब ट्रेलिंग जीरोज हैं, और ट्रेलिंग जीरोज में डेसिमल आने पर इनको सिग्निफिकेंट माना जाता है, इसलिए इसमें टोटल नंबर कितना हो जाएगा, फाइव। ये इसमें तो क्लियरली तीन, ये ट्रैप्ड जीरो है, ये नॉन जीरो है, और इसलिए थ्री। इसको छोड़ देंगे, टेन की पावर्स को कभी काउंट नहीं करेंगे, इसमें कितने हैं, तो इसमें दो हैं। इसमें आए तो ये कभी नहीं होते, ये अकेला सिर्फ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है वन। ये ट्रैप्ड है, बाकी सब नॉन जीरो है, यानी फाइव। इसमें आएंगे तो ये कैसा जीरो है, ट्रेलिंग, डेसिमल पॉइंट है, यानी सिग्निफिकेंट नंबर इज फोर। वही हाल इसका भी है। इसमें आएंगे तो इन्हें काउंट करना नहीं, केवल सेवन काउंट होगा, दैट इज वन। इसमें आएंगे तो इन्हें छोड़ो, ये तीन। अब इसमें आएंगे तो ये ट्रैप्ड है, थ्री और एट के बीच में, और ये जीरोज ट्रेलिंग है और डेसिमल पॉइंट है, यानी सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट, तो पांच हो जाएंगे इसमें। ये काउंट होगा, कैसा है ये, ट्रेलिंग, डेसिमल पॉइंट है, सिग्निफिकेंट, टोटल नंबर इज फाइव। इसमें आएंगे तो ये दोनों छोड़ देंगे, ये ट्रैप जीरोज हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। इसमें डेसिमल पॉइंट होने की वजह से ये सब जीरोज काउंट होंगे, और इसलिए इसमें टोटल नंबर हो जाएगा फाइव के बराबर। तो इजीली हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते हैं, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से होगा क्या, कि क्यों फाइंड कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।